हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले मैंने यूनिट ली है आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात तब तक की है जिसमें से लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट इज मेटामेरिज्म मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। जहां तक टोटोमेरिज्म का सवाल है, मैंने आपको बोला है जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टडी कर लेंगे, MHI इफेक्ट्स, उसके बाद हम टोटोमर को ले पाएंगे, क्योंकि उसकी थोरोली स्टडी करने के लिए हमें थोड़े इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ले रहा हूं, दैट इज मेटामेरिज्म। आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पसंद आने पर आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन को लगातार लेने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलते रहें टाइमली। आप लोग जानते हो मैंने बहुत बहुत कम दिन पहले ही इसको स्टार्ट किया है, लगभग रोज का मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर इसके टच में रहेंगे तो आपको कोई और मेटेरियल करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी में आपका काम बहुत अच्छे से नीट लेवल का या जेई लेवल का अच्छे से चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं मेटामेरिज्म की। आप लोग जानते हैं सारी की सारी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उन सब में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं। मैंने चैन में भी आपको बात बताई कैसे आपने पिक करना है, पोजीशन बताई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बताई, रिंग चैन बताई, जिसमें हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को भी डिस्कस किया था। आप लोग चाहें तो उसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेटामेरिज्म की। ये क्वाइट डिफरेंट है बाकी आइसोमेरिज्म के थ्रू, क्योंकि इसमें बच्चों को चैन और पोजीशन और मेटामर में आपस में कुछ डाउट्स होते हैं, वो मैं डाउट भी आपके इस लेक्चर के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम सीखते हैं मेटामेरिज्म को। मैंने आपको इसके सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, दैट इज इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप एट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक मोनोवेलेंट और एक पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट फंक्शन कौन सा होता है? जो एक ही तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा होता है, जैसे OH, SH, COOH, NH2, CH और COCl। आप लोग देख पा रहे हैं ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये एक ही तरफ से चेन से जुड़े होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि इधर चेन है तो उस साइड भी चेन होगी, और अगर एक ग्रुप लेफ्ट में लिखे हुए हैं तो अगर राइट साइड में चेन है तो लेफ्ट में चेन नहीं होगी। ऐसे ग्रुप को जो एक ही तरफ से कार्बन चेन से कनेक्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप्स, उनमें तो ये होती नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलीवेलेंट की। पॉलीवेलेंट में भी बेसिकली डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट ग्रुप की हम बात करते हैं, ऐसा ग्रुप जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कार्बन चेन से कनेक्ट होता है उसको हम बाइवेलेंट ग्रुप कहते हैं, और जो तीन साइड से कनेक्टेड होता है उसको हम ट्राइवेलेंट ग्रुप कहते हैं। जैसे लेफ्ट से भी, राइट से भी और ऊपर या नीचे, इनमें से किसी भी तीन तरह से अगर वो कनेक्टेड है ऐसे को हम ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जैसे बाइवेलेंट हो गया NH, सेकेंडरी एमीन, ईथर, ये देखिए बाइवेलेंट, ये दो वैलेंसी खाली है। तो जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं सब ये बाइवेलेंट है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, फिलहाल तो एक ही एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो इधर भी कार्बन चैन चल रही है, इधर भी चैन चल रही है, इधर भी चैन चल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो या तो बाइवेलेंट होना चाहिए या ट्राइवेलेंट ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला डिफरेंस इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस इन नेचर का क्या मीनिंग है? डिफरेंस इन नेचर का मीनिंग है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में टू कार्बन का ग्रुप है और राइट साइड में थ्री कार्बन का ग्रुप है, तो जो इसका मेटामर बनेगा, ध्यान से सुनेगा, उसमें से किसी भी साइड टू कार्बन और थ्री कार्बन की कंडीशन रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास में ईथर है, मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल, इस ईथर में इधर तीन कार्बन और इधर एक कार्बन है। अगर आपकी ईथर में इधर एक कार्बन ही रहे और यहां जो तीन कार्बन है वो अलग चैन में हो दिए हुए हों, तो ये एक दूसरे के मेटामर नहीं हो सकते, क्योंकि मेटामर होने के लिए दोनों एंड्स का डिफरेंट होना जरूरी है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। डिफरेंस का मतलब, अब लेफ्ट पर आए तो चेंज ही नहीं हुआ,
बस अगर लेफ्ट वाला चेंज नहीं हुआ तो ये मेटामर नहीं हो सकते, ये मेटामर नहीं हो सकते। मेटामर होने के लिए अगर मान लीजिए इसका मैं मेटामर बनाऊंगा तो लेफ्ट साइड में कार्बन का नंबर एक नहीं हो सकता, वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो अगर लेफ्ट में या राइट में एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट रह गया आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये मेटामर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये या तो चैन आइसोमर होंगे और या क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अगर मैं पॉलीविलेन ग्रुप की बात करूं कि मेटामर किस किस में एग्जिस्ट कर सकता है, तो मेटामर एग्जिस्ट कर सकता है ईथर में, सेकेंडरी अमीन में, टर्शियरी अमीन में, एस्टर में, थायो ईथर में, एनहाइड्राइड्स में, एमाइड्स में, सेकेंडरी एमाइड्स और टर्शियरी एमाइड्स में, कीटोन्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स में, और सल्फोनेट एस्टर में। सल्फोनेट एस्टर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हो कि दो तरफ से वैलेंसी फ्री है। ऐसे एस्टर को जो सल्फोनिक ग्रुप का एस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेट एस्टर बोलते हैं। आइए इसके एक एक करके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ईथर का एग्जांपल ले रहा हूं कि ईथर्स में किस तरह से मेटामेरिज्म अराइज करती है। तो मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनेगा कि दोनों में से किसी भी साइड एल्काइल ग्रुप सेम नहीं रह सकता। अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो फिर वो मेटामर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज मुझे फॉर्मूला दिया गया है C4H10O और इसके मुझे ईथर के आइसोमर्स बनाने हैं, और जितने भी आइसोमर्स बनेंगे मुझे चेक करके बताना है कि उन आइसोमर्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है एक का दूसरे के साथ में। आइए चेक करते हैं। अगर ईथर में चार कार्बन है तो पहले तो मैं टेक्निकली सॉल्व करूंगा, मैं कहूंगा भैया दो साइड से वैलेंसी खाली होती है तो या तो ये हो सकता है कि 1 एंड 4 हो जाए, सॉरी 1 एंड 3 हो जाए, और या हो सकता है 2 एंड 2 हो जाए। इसका मतलब आप लोगों ने मेरी FGA वाली क्लास लगाई हुई है, फंक्शनल आइसोमर वाली, उसमें मैंने आपको पहले ट्रिक से सिखाया था आइसोमर कैसे ढूंढने हैं, फिर अगर पता लग जाएंगे फिर उसको बना के भी देख सकते हैं। तो अगर टोटल कार्बन चार हैं तो दो कंडीशन हो सकती है कि लेफ्ट में एक ही कार्बन का ग्रुप हो और राइट में तीन कार्बन का ग्रुप हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट में भी टू कार्बन का ग्रुप हो और राइट में भी टू कार्बन का ग्रुप हो। यह भी मैंने आपको बताया है कि जब भी तीन कार्बन का ग्रुप होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी दो होती है। कितने ग्रुप बनेंगे इससे, दो, क्योंकि एक बनता है एन प्रोपाइल और एक बनता है आइसो प्रोपाइल, एक ग्रुप बनता है एन प्रोपाइल और दूसरा ग्रुप क्या बनता है, आइसो प्रोपाइल, और यहां पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक चीज तो कंफर्म है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो एग्जिस्ट करेंगे ईथर के वो कितने करेंगे, तीन। अब हम ना केवल इन तीनों आइसोमर्स को बना के देखेंगे, इनमें आपस में रिलेशनशिप की भी स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो टोटल आपके तीन आइसोमर्स बनेंगे, तो उन तीनों आइसोमर्स को मैं कैसे शो कर रहा हूं, मैं ऐसे शो कर रहा हूं एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ तीन कार्बन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तीन कार्बन लगने की पॉसिबिलिटी हमेशा दो टाइप की होती है, या तो एन प्रोपाइल हो सकता है ग्रुप और आप देख पा रहे हैं, या वो ग्रुप क्या हो सकता है, आइसो प्रोपाइल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ईथर के दोनों तरफ दो दो कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए। तो ये वो तीनों आइसोमर्स हैं जो ईथर के हैं। अब हम एक एक करके इनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3 है, मैंने आपको बोल दिया अगर लेफ्ट या राइट किसी भी साइड एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट हो जाएगा तो ये दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे के मेटामर नहीं हो सकते, दे कांट बी मेटामर टू ईच अदर। ये क्या होंगे अभी हम देखेंगे, पर पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेटामर तो नहीं हो सकते। अगर मैं एक और दो को तीन से कंपेयर करूं तो देखो ये 1:3 का ग्रुप है और ये 2:2 का ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या हो गए, चेंज हो गए। ऐसे ही मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो यहां पर ग्रुप है एक कार्बन का और तीन कार्बन का, और यहां पर भी ग्रुप है दो कार्बन का और दो कार्बन का, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज हो गई है। अगर नेचर चेंज हो जाएगी तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर होंगे। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करते हैं। मैंने बोल दिया मेटामर तो नहीं है, अब मेटामर नहीं है तो क्या करूं, इतना देखना, इसकी बात करता हूं तो ये वाली चेन आ रही है और इसकी बात करता हूं तो ये वाली चेन आ रही है। आप देखेंगे यहां पर जो ईथर ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप माना जाता है, ये 1 नंबर कार्बन से लगा हुआ है, और यहां कैसे भी नंबरिंग कर लो ये कौन से कार्बन से लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से। इसलिए यहां पर पोजीशन 1 है और यहां पर पोजीशन 2 है, तो याद रखिएगा
ये दोनों आपस में एक दूसरे के MI नहीं है, मेटामर नहीं है, जबकि एक दूसरे के PI है, पोजिशनल आइसोमर्स। अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूं, मैं तुम्हें बता चुका हूं ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, और सेकेंड और थर्ड भी एक दूसरे के मेटामर्स काउंट होते हैं। तो इस तरह से मैं 1 को 2 से, 2 को 3 से, 1 को 3 से आराम से कंपेयर कर सकता हूं। ये तो सिंपलेस्ट वर्जन हुआ कि हम MI को कैसे पहचानते हैं। अब मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए MI का, जो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं एमीन्स का। एमीन्स के एग्जांपल ही बहुत अच्छे बनते हैं। कहता है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C5H11 C5H13N, ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन एंड गिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड गिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। पहली बात तो आपको सारे आइसोमर्स बनाने हैं इस फॉर्मूले के, सारे में भी कौन से प्राइमरी नहीं बनाने, केवल सेकेंडरी और टर्शियरी बनाने हैं, और आपस में उन सबका रिलेशनशिप भी बताना है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ तो 2 डिग्री अमीन हो सकते हैं, या इसके कंपाउंड क्या हो सकते हैं, 3 डिग्री अमीन। अब 2 डिग्री अमीन में स्ट्रक्चर ये होती है 2 वैलेंसी खाली, और 3 डिग्री अमीन में स्ट्रक्चर होती है 3 वैलेंसी खाली। पहले मैं 2 की बात करता हूँ, 5 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आप। यहाँ तो हो सकता है 1 4, और यहाँ हो सकता है 2 3। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अगर कोई कहता है सर 3 2 कर लो, तो एक ही बात है, जैसी ये वैलेंसी है वैसे ही वो वैलेंसी है। जहां तक 3 डिग्री का सवाल है, टोटल 5 कार्बन कैसे हो सकते हैं? ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, या ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, और ये 2 हो जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको 4 बताई। याद रखना बच्चों, पॉसिबिलिटी आइसोमर का नंबर नहीं होता, पॉसिबिलिटी से आगे आइसोमर्स निकलते हैं कितने होंगे। जैसे आइए हम चेक करें, पहले मैं इस केस को लेता हूं, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये 4 केसेस हैं। पहले मैं ए केस को लेता हूं। जब मैं ए केस करूंगा, आपको मैंने वैसे तो उस लेक्चर में लर्न करवा रखा है एफजीआई वाले में, कि 4 कार्बन जब हो तो एल्काइल ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 4 होती है। उनमें से एक होता है एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी कि जब भी आप 4 कार्बन का कोई ग्रुप देखो, याद कर लो कि यहां जो आइसोमर्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4। जब आप 3 कार्बन का ग्रुप देखो, तो यहां आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, टोटल 2, क्योंकि एक तो जोड़ सकता हूं एन प्रोपाइल की फॉर्म में, और दूसरा जोड़ सकता हूं आइसो प्रोपाइल की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, तो आपको पता है ये कितने हो जाएंगे, 2। 3 नंबर, 3 कार्बन के 2 ग्रुप हो सकते हैं, और यहां केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। तो इसका आंसर हमारा आ गया, टोटल आइसोमर्स कितने बनने वाले, 9। अब इन 9 आइसोमर को मैं पहले बनाऊंगा, और फिर इनमें एक एक के साथ में रिलेशनशिप देखने वाला हूं। आइए, तो ए कैटेगरी में जो ग्रुप बनते हैं 4 कार्बन के, 1 2 3 4 लीनियर, दूसरा कंपाउंड NH, 1 2 3 4, एक सेकेंड नंबर पोजिशन पे आ गया। तीसरा NH, 1 2 3 4, ऊपर कर देता हूं, सॉरी, 1 2 3 4, और चौथा बनेगा इसमें, यहां लिख देता हूं बच्चों, चौथा लिख देता हूं NH टर्शियरी ब्यूटाइल। तो मैंने कहा था एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सारे के सारे आपके इस कैटेगरी से बनेंगे। अब बी कैटेगरी से 2 3, अब एक तरफ 2 कार्बन करने हैं और एक तरफ 3 कार्बन, और आप जानते हो 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2 होती है, एक एन प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल। ये जो नंबर आ गया, ये आ गया आपका 5 नंबर एंड 6 नंबर। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अमीन्स की। 3 डिग्री के अंदर 1 1 3, तो 1 1 3 में क्या होगा, 1 1 3 में 3 की 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक ये और एक ये, और 1 2 2 की एक ही पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 2 की एक ही पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, और ये 9 नंबर। तो पहले तो हमें टोटल आइसोमर्स निकालने हैं कि
कि सेकेंडरी अमीन के केस बनेंगे टोटल 6 और टर्शियरी अमीन के केस बनेंगे टोटल 3। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बच्चों, इनमें आपस में रिलेशनशिप को बताने के लिए मैं ऊपर इसको एक बार रब कर देता हूं। अब मैं एक का दो से, एक का तीन से, इन सब के रिलेशनशिप आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर की हेल्प के लिए आपको FCA वाला लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको एल्काइल ग्रुप निकालने सिखाए थे। आइए हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। हम बात करते हैं 1 और 2 में क्या आइसोमरिज्म है, 1 और 3 में क्या है, 1 और 4 में क्या है, 1 और 5 में क्या है, 1 और 6 में क्या है, 1 और 7 में क्या आइसोमरिज्म है, पहले और 8वें में क्या आइसोमरिज्म है, और पहले और 9वें में कौन से आइसोमरिज्म है। एक बार में फर्स्ट कंपाउंड को सेकंड से कंपेयर करूंगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था आइसोमरिज्म रिलेटिव टर्म होती है, हमेशा एक का दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बोला जाता है आइसोमरिज्म। तो 1 का 2 से भी देखूंगा, 1 का 3 से भी देखूंगा, 1 का 4 से, सभी से देखूंगा। तो टोटल 8 रिलेशनशिप मेरे को आने चाहिए। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 1 और 2 की। बच्चों ये जो कार्बन चेन है ये भी 4 कार्बन, पहली बात तो MI की बात करते हैं, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा क्या? यहां पर भी एक मिथाइल, यहां पर भी एक मिथाइल, यहां पर भी एक मिथाइल, यहां पर भी एक मिथाइल। मैंने बोला था लेफ्ट या राइट में अगर एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट हो जाए, चेंज नहीं हो, तो वो किसी भी कीमत में एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो सकते, यानी कि 1 और 2 मेटामर नहीं हो सकते, 1 और 3 मेटामर नहीं हो सकते, 1 और 4 भी मेटामर तो नहीं हो सकते, हटाओ इस मेटामर को। तो मेटामर नहीं हो सकते, तो मैंने आपको बोला था कि आइसोमर्स को चेक करने का जो तरीका है, मेरे पुराने लेक्चर्स में ये बात मैंने कही हुई है, पर क्योंकि यहां आ रही है तो मैं बोल देता हूं। जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पूछा जाए कि कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या चेक करना है बेटे, सबसे पहले चेक करना है FGI। ये सब मैंने बताया पिछले लेक्चर में, FGI नहीं हो अगर तो फिर हम बात करते हैं मेटामर्स की। अगर वो FGI नहीं है तो हम देखते हैं मेटामरिज्म है क्या, मेटामरिज्म नहीं है तो हम देखते हैं चैन आइसोमर्स है क्या, चैन आइसोमर्स नहीं है तो हम देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स है क्या। तो जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्वेश्चन आए, आप हमेशा इस सीक्वेंस में करना कि अगर ये प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो मेटामर देखेंगे, मेटामर प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो CI देखेंगे, CI प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो PI देखेंगे। तो मेटामर तो कैंसिल हो गया फर्स्ट के साथ में, सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब जरा बात करें, अब मैं जाऊंगा ये है नहीं, ये है नहीं, तो मैं CI चेक करता हूं। CI देखना, यहां पर भी 4 कार्बन की मेन चेन आ रही है बेटे, और यहां पर भी 4 कार्बन की। जब कार्बन चेन में कार्बन का नंबर सेम होता है तो CI तो नहीं हो सकते, PI होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहां जो नंबर आ रही है ये 1 आ रही है, और यहां जो नंबर आ रही है ये 2 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 और 2 आपस में क्या है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के PI है। जब चेन सेम हो और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो तो हम क्या बोलते हैं एक दूसरे के क्या है, PI है। आइए फर्स्ट और थ्री को देखो, 1 और 3 को, चैन 4 कार्बन की है, देखो चैन कैसे मर्जी ले लो बच्चों, 3 कार्बन की आ रही है, इसलिए ये क्या है एक दूसरे के PI, तो CI, ये एक दूसरे के क्या है CI, क्योंकि यहां पर कार्बन चैन में 4 कार्बन है, या कैसे भी ले लो 3 ही आएंगे। जब कार्बन चैन में कार्बन का नंबर डिफरेंट होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, CI होते हैं। 1 और 4 को देखोगे तो यहां भी कार्बन चैन 3 कार्बन की है और पहले में 4 कार्बन की है, तो ये भी एक दूसरे क्या है, CI। 1 और 5, अब यहां मेटामरिज्म हो गए, देखो ध्यान से, ये मिथाइल ब्यूटाइल है, ये डाई, ये मिथाइल, ये इथाइल और प्रोपाइल है। बोलो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, हो गया, तो क्या है एक दूसरे के मेटामरिज्म। 1 और 6, 6 में भी हो गया, ये 1 और 4 नंबर का है, ये 2 और 2 3 नंबर का है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है बच्चों, मेटामर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटे, 7, 8, 9 तो 3 डिग्री से बने हैं, ये मींस कौन से हैं 3 डिग्री, और शुरू के 6 कौन से मींस हैं 2 डिग्री, जरा बताना। 2 डिग्री और 3 डिग्री मींस में आपस में कौन सी आइसोमरिज्म होती है, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि सेकेंडरी अमीन को एक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और टर्शियरी अमीन को दूसरा फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो इन 6 का इन तीनों से एक फिक्स रिलेशनशिप है, क्या है वो, FGI। तो ये क्या है एक दूसरे के, ये भी FGI है, 1 और 7 भी, ये भी FGI है, और ये भी क्या है एक दूसरे के FGI है। इस तरह से मैंने फर्स्ट कंपाउंड का कंपैरिजन तो
सबके साथ कर दिया। अब ऐसे में सेकंड का सबके साथ कर सकता हूं, थर्ड का सबके साथ कर सकता हूं, फोर्थ का सबके साथ कर सकता हूं। इस तरह से इन सारे कंपैरिजन को करने के बाद में आपके सीआई, पीआई और मेटावर्जन के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात हो, कई स्टूडेंट्स को कीटोन में डाउट होता है कि सर कीटोन अगर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पोजीशन में काउंट करें या इसको मेटामर में काउंट करें, क्योंकि ये दोनों में आपने लिखवा रखा है कि अगर पोजीशन डिफरेंट हो तो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, और मेटामरिज्म में भी आपने लिखवा रखा है कीटोन में होती है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो जरा देखें, मान लीजिए मेरे पास ये कीटोन है CH3CH2CO, CH2CH3, और दूसरी कीटोन है ये CH3CO, CH2CH2CH3। तो ये 2+2 कंडीशन और ये 1+3 कंडीशन। अब ये जो ग्रुप है इसके अराउंड क्या ग्रुप डिफरेंट चेंज हो रहे हैं? पहली बात तो बाइवेलेंट है कीटोन ग्रुप, यस। ये 2-2 का पेयर बना रहा है, ये 1-3 का पेयर बना रहा है, तो एज पर माई डेफिनेशन ये एक दूसरे के मेटामर्स तो हैं। मेटामर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस। क्या पोजीशन के हिसाब से भी अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां तो नंबरिंग आ रही है 3 और यहां जो नंबरिंग आ रही है वो क्या आ रही है 2, तो इस हिसाब से ये है पेंटेन 3-ON और ये है पेंटेन 2-ON। पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम किस में काउंट करते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म में। तो ऐसा कभी कोई डाउट आ जाए कि पीआई या मेटामर में आ जाए या सीआई या मेटामर में आ जाए, तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं बेटे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम एफजीआई को चेक करेंगे, फिर मैं मेटामेरिज्म को चेक करूंगा, फिर मैं सीआई को चेक करूंगा, और लास्ट में मेरा पीआई आ सकता है। तो जब मेटामेरिज्म है तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, फिर मैं इसका आंसर कहां रोक दूंगा? मेटामर में रोक दूंगा। इसका मीनिंग ये हुआ, जब भी आपको मेटामेरिज्म में और सीआईपीए में कंफ्यूजन हो, ऑलवेज द आंसर मस्ट बी मेटावर्स। हमेशा आंसर क्या होगा? मेटावर होगा। हाँ, अगर मेटावर नहीं है तो फिर मेरी पहली प्रायोरिटी इन दोनों में सीआई रहेगी, और सीआई भी नहीं है तो हो सकता है कि वो लास्ट ही पॉसिबिलिटी हो, वो पीआई की फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। तो ये आपका लेक्चर है, आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस चैनल के कॉन्टेक्ट में रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैं आगे आप लोगों की मोटिवेशन से छोटे छोटे वीडियो लेक्चर जो आपके बहुत काम के, मैं रिलीज करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।